हेलो गाइस, सो दो और आईपीओ आने वाला है, आपकास वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस और कैंप प्लस सानमार। सो कौन से आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, किसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, सो इसके बारे में ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं। ये बहुत छोटा बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है आज डिस्क्राइब करने के लिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करने के लिए। पहले तो मैंने सोचा था कि कैंप प्लस सानमार को डिटेल में एनालिस करूँ, बट उसके बाद जो देखा मुझे लगा कि ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ खास नहीं देखने को मिला। सो पहला बात, ये दोनों आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है, बहुत पोर आईपीओ होने वाला है। पहला, कैंप प्लस सानमार की अगर बात करें तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, जो सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, जिस तरीके का मतलब सेक्टर है एक हाई ग्रोथ वाला। सो पहले तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था इसमें, जब मैंने इसका कंपनी का फंडामेंटल चेक किया वो भी सही लग रहा था, लाइक लास्ट कुछ क्वार्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हालांकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कुछ खास नहीं देखने को मिला लास्ट ईयर का अगर परफॉर्मेंस देखे तो, लेकिन कंपनी का जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे नहीं है, वो 2012 के आसपास 2011-12 में एक बार कंपनी डिलिस्ट हो चुका था, पहले भी मार्केट पर आया था। सो डिलिस्ट होने का रीज़न था बहुत ज़्यादा डेड, ऑलमोस्ट 6 times डेड कर दिया था कंपनी का एसेट से। सो अभी का अगर बात करें तो अभी भी बहुत ज़्यादा डेड है। सो ये एक बहुत बड़ा कॉशियस पॉइंट है, बिफोर इन्वेस्टिंग गाइस अपना रिसर्च बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना जो बहुत ज़्यादा डेड पे है। आपके पास बहुत सारा आईपीओ अवेलेबल है, अप्लाई तो कर रहे हो, तो इस पर क्यों करना, अगर इतना रिस्क लेने का क्या है। बहुत सारा इस तरीके का कंपनी का स्पेशलिटी सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो PI इंडस्ट्री बचे हुए हैं जो बहुत अच्छा कर रहा है। ऊपर से जाने दो इन सबको, मैंने IPL के बारे में वीडियो बना के रखा, IPL अभी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, मैंने इससे ज़्यादा प्राइस में ख़रीद के रखा और मैं इसको बहुत सालों के लिए होल्ड करने वाला हूँ। सो बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो कैंप प्लस सानमार को अब क्यों रिस्की ऐसे IPO में अप्लाई करने जाएंगे, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो 30 का है, जो ऑलमोस्ट 7-8% के आसपास आता है, कुछ खास नहीं लिस्टिंग गेन का तो उम्मीद मत ही रखो। ऊपर से ज़्यादा दिन अगर होल्ड करोगे तो बहुत सारा मुश्किल सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि इसका प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा प्लेज है, सो एक रिस्क ही है। सेकेंड अगर बात करें, सेकेंड अगर कंपनी की बात करें तो आपटास वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, जिसका फाइनेंशियल्स मुझे बहुत अच्छा लगा। कंपनी कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है, कंपनी का मोटो है कि मिडिल क्लास जो फैमिलीज होते हैं उनको टारगेट करके उनको फाइनेंस पे हेल्प कर रहे हैं, उनको हाउस लोन दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसका एक अच्छा बेनिफिट है कि ज़्यादा रिस्क नहीं रहता, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में उन्होंने जितना लोन देते हैं वो बहुत कम होता है। सो अगर कोई फेल भी करता है तो बहुत कम ही अमाउंट का होता है वो, और ऊपर से जैसे कि होम लोन ज़्यादा देते हैं कंपनी, सो ज़्यादा रिस्क ही नहीं होता है, होम लोन सब दे देते हैं, और अच्छी बात है कंस्ट्रक्शन लोन भी ये प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करते हैं जो अच्छा है कंपनी के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका पी ऑलमोस्ट 68 के आसपास है, सो एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस पे ये आ रहा है ये आईपीओ। सो यहाँ पर इसके रीज़न से अगर देखेंगे तो कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। इसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 rupees के आसपास का है, मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा है। दोनों ही मुझे लगा बकवास टाइप का आईपीओ आ गया अब, और दोनों में ज़्यादा ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू तो दिख ही नहीं रहा है, बहुत कम है, और ऑफर फॉर सेल बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रोमोटर्स अपने पॉकेट पे पैसे ले रहे हैं, पैसे अपना स्टेक्स बेच के खुद पॉकेट पे ले रहे हैं, और ये बिज़नेस के लिए कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि जब IPL का IPO आया था, अपने अगर देखे थे IPO के रीजंस था कि कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज़ करना था। सो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कंपनी अपने आप का विज़न रखता है कि यहाँ जाना है, यहाँ वो करना है, कंपनी अलग तरीके का सोचता है। सो इन्वेस्ट इन दोज कंपनी वेयर यू कैन गेट ए गुड अमाउंट ऑफ गेन, नॉट ऑनली लिस्टिंग गेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिस्टिंग गेन गाइज, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स टू। सो वेयर मनी कैन गिव्स यू ए बेटर वेल्थ, कैन क्रिएट ए ग्रेट वेल्थ ऑफ योर मनी, राइट। सो ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करो, ऐसे IPO ढूंढो जहाँ से पैसे बने, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको लगे कि हाँ मैंने सही किया, और खुद कॉन्फिडेंस रहो। वैसे ये मेरा ओपिनियंस था गाइस, अगर आपको खुद का रिसर्च करना है तो आप कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इन दोनों IPO में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। थैंक यू गाइस।